दोस्तों मेरा मिनोक्सिल की जो रिव्यू वाला वीडियो था उसमें बहुत सारे दोस्त ने ऐसे कमेंट किया जो फिनपेसिया के बारे में, फिनपेसिया मिनोक्सिल के साथ लेना सही होगा और गलत। दोस्तों आज का वीडियो में मैं फिनपेसिया के बारे में ही बताऊंगा। दोस्तों वीडियो देखने के पहले प्लीज़ मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी इस टाइप का न्यू वीडियो मैं ले आऊँगा और प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा दीजिए न्यू वीडियो सबसे पहले आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन आने के लिए। दोस्तों जो फिनपेसिया है वो एक स्टेरॉयड मेडिसिन है, मतलब वो फिनास्टेराइड एक ड्रग है उससे बनाते हैं, वो जो शरीर में DHT लेवल को लो करते हैं। जब DHT लेवल ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों तभी मेल पैटर्न हेयर लॉस मतलब एंड्रोजेनिक एलोपेसिया होती है। ये DHT क्या करते हैं दोस्तों, जो बाल के रूट्स होता है उसको वो न्यूट्रिशन लेने से रोक देते हैं, मतलब रूट झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और बाल्डनेस आ जाते हैं। तो ये फिनपेसिया जो फिनोस्टेरॉइड्स से बना है वो उसको रोकते हैं, मतलब DHT लेवल को लो कर देते हैं, जिससे क्या होता है रूट ज़्यादा मजबूत होता है और न्यू बाल उगाना स्टार्ट होता है। मैंने भी ए फिनपेसिया 6 मंथ लिया था, मुझे डॉक्टर्स ने रिकमेंडेड किया था ए फिनपेसिया, सो मैं 6 मंथ इसको लेता था। मेरा रिजल्ट अच्छा था, 3 महीने के बाद मेरा न्यू जो बाल आना स्टार्ट हो गया था और घना भी था बाल, बट इससे इस मेडिसिन लेने से कुछ मुझे साइड इफ़ेक्ट था इसलिए मैं छोड़ दिया था इसको 6 महीने के बाद। डॉक्टर ने मुझे छोड़ने बताया, वो प्रेस्क्राइब कर दिया 6 मंथ के बाद, नेक्स्ट जो 6 मंथ मुझे इसको नहीं दिया, इस थोड़ा कुछ विटामिन्स दिया था मुझे। दोस्तों इस जो फिनपेसिया है वो दूसरा ब्रांड में आते हैं, प्रोपेसिया प्रोस्कार ऐसे थोड़ा कोई ब्रांड से आते हैं, इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 15 टैबलेट 65 और 70 रुपीज़ में आ जाते हैं। दोस्तों मैं 6 मंथ में इसको लेने से मेरा बाल तो आया बट थोड़ा कुछ साइड इफ़ेक्ट भी मुझको महसूस हुआ, वो साइड इफ़ेक्ट था सेक्सुअल डिस्फंक्शन, मतलब कमजोरी, सेक्स करने से कमजोरी होता था और क्या बताऊँगा इजैकुलेशन पहले हो जाता, मतलब सेटिस्फेक्शन के बाद जो आते हैं वो थोड़ा कम होता। ये मेन इसका जो साइड इफ़ेक्ट था, ये भी मेन साइड इफ़ेक्ट था, बट और भी साइड इफ़ेक्ट थोड़ा है, अननेसेसरी जो हेयर मतलब स्किन में थोड़ा हेयर ज़्यादा आ जाते हैं, पीठ में पेट में और छाती में वो थोड़ा अननेसेसरी हेयर आ जाते हैं, ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। दोस्तों इसको आप डॉक्टर से रिकमेंड करने के बाद ही ले लो, क्योंकि ये एक बहुत ही स्टेरॉइड ड्रग है जो आपका शरीर को नुकसान पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों मैं फिनपेसिया 1 mg दिन में एक बार रात के टाइम खाने के बाद लेता था, फिनपेसिया 1 mg का लेता था। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, कोई भी जानकारी है तो कमेंट करिए, मैं खुशी होता था कमेंट आप किया तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ क्विक। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।